अस्सलाम वालेकुम खवातीनो हजरात, उम्मीद है आप पता नहीं ठीक होंगे या नहीं होंगे, अपनी अपनी मुश्किल से लड़ रहे होंगे। तो सेकंड एक्सरसाइज हम अफिलिएट मार्केटिंग की सॉल्व कर रहे हैं, वो आपने अच्छी तरह देख ली है क्योंकि वीडियो एक्सरसाइज जो थोड़ी सी समझने वाली है, तो आप अगर नहीं देखेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको समझ नहीं आएगी। इंस्ट्रक्शन वही हैं जो हमेशा से होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ड्यू डेट के बाद नहीं सबमिट करानी। फॉर्मेट आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला होना चाहिए, फाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए। किसी भी ऑनलाइन रिसोर्स से आपने छापा मार के अपनी एक्सरसाइज जो है वो सबमिट नहीं करानी। खुद सारे कारनामे सर अंजाम देने। लर्निंग आउटकम ये है कि किस तरह से चूज़ की जाती है नीच फॉर अकॉर्डिंग टू योर डोमेन नेम, ठीक है। डोमेन नेम किस तरह से चूज़ रखा जाता है, सेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर नीच। सेकेंड इज़ के जो है वो वेबसाइट के सेटअप के लिए बेसिक स्टेप्स जो हैं वो कौन से परफॉर्म किए जाते हैं, और उसके बाद किस तरह से एक कॉन्टेंट जो है अफिलिएट प्रोडक्ट के लिए या वेबसाइट के लिए किस तरह से लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू योर नीच या अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि जो न्यू कमर है जिनको नहीं पता कि उनकी नीच क्या है, तो वो क्या करें, हैंड ऑन एक्सरसाइज वन में उन्होंने जो भी नीच सेलेक्ट की थी ना, वो जो है उसको कंसिडर करके अपनी सेकेंड एक्सरसाइज सॉल्व करा सकते हैं। अगर मैं आपको पहली एक्सरसाइज सिखाऊँ, तो हमने जो था वो यहाँ पे चूज़ की थी गेमिंग। यहाँ पे हो सकता है आपने कोई जो है वो किचन एक्सेसरीज या पिलो या बेडशीट या जो है वो फ़ोन वगैरह या शूज़ या बैग्स या ज्वेलरी, जो भी चीज़ या मेकअप वगैरह चूज़ किया तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं वो वन बाय वन इसको परफॉर्म कर लेंगे। अभी आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने किस तरह से सॉल्व करना है। जैसे जैसे हम जो है वो इसको परफॉर्म करेंगे, वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी। तीन टास्क हैं और तीनों को हम जो है वो बारी बारी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो है उन्होंने कहा हुआ है कि आपने जो है वो वर्डप्रेस की होस्टिंग, यानी कि वर्डप्रेस आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, वो आपने किस तरह से इंस्टॉल करनी है ये भी आपको बता दिया जाएगा इंतहाई आसान तरीके में। और ये है कि आपने जो है यू कैन ऑल्सो यूज पेड होस्टिंग, पेड होस्टिंग भी आप यूज कर सकते हैं, और फ्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म जो है वो भी यूज कर सकते हैं, लाइक इन्फिनिटी फ्री हो गया या फ्री होस्टिया हो गया। ये सारी चीजें आपके लिए बताई जा रही है वर्डप्रेस के लिए, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। आपको पता है वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के लिए आपको लोकल होस्ट की जरूरत होती है, तो दे ज्यादा लोकल होस्ट, तो लोकल होस्ट और भी बड़े ज्यादा जैम्प है, वैम्प है, इनके थ्रू जो है वो आप किस तरह से कर सकते हैं, फ्लाई व्हील्स है, तो वो आपको बड़ी आसानी से बता दिया जाएगा आगे जाके, तो आपने उसको उसमें परेशान नहीं होना। वैसे मैं आपको अगर बताऊं इन जनरली, लेकिन अगर आप वर्डप्रेस के स्टूडेंट हैं तो वर्डप्रेस से आप किस तरह इंस्टॉल करना है वो आपको एंड स्क्रीन पर वीडियो मिलेगी, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस थ्रू लोकल होस्ट, ठीक है। ठीक है, वर्डप्रेस वालों के लिए बता रहे हैं। इस एक्सरसाइज में ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो वर्डप्रेस कंप्लीट इंस्टॉल करना थ्रू द लोकल होस्ट यानी कि जैम पे वो सीखना ज़रूरी नहीं है। तो हम जो है वो सबसे पहले आपने जो है वो इसको इस तरह से फॉर्मेटिंग इसकी करके रख लेनी है, जहाँ भी आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं, गूगल डॉक्स में कर रहे हैं, WPS पे या MS वर्ड पे। तो हमने जो है वो इस तरह से फाइल जो है वो क्रिएट करके रख ली है। सबसे पहले आपने अपना कोर्स का नाम देना, एक्सरसाइज बैच एंड टास्क। टास्क वन को हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला टास्क है जी आपने डोमेन नेम जो है वो सेलेक्ट करना है। वो कहाँ से आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना, आपने चले जाना है अपने ब्राउज़र के अंदर, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, UC ब्राउज़र, या अगर आप यूज़ करते हैं गूगल क्रोम या ओपरा मिनी या इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो उसमें जाके आपने सिंपल जो है या तो आप गूगल डैड यूज़ कर लें, या फिर आप नेम चीप डोमेन नेम जनरेटर इस तरह से आप लिखेंगे तो आपके सामने जो डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। गो डैडी नेम डोमेन नेम जनरेटर ये भी लिख सकते हैं, नेम चीप डोमेन नेम जनरेटर ये भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा गो डैडी डोमेन जनरेटर, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस जो आएंगे। सेकंड में हमें नज़र आ रही है डोमेन नेम जनरेटर, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपकी जो भी नीड थी, आपने शूज़ चूज़ किए थे, बूट्स चूज़ किए थे, आपने जैकेट्स चूज़ की थी, आपने जो थे मेकअप चूज़ किए थे, या डिफरेंट एक्सेसरीज थी, या आपकी कोई जो थी वो इलेक्ट्रिक वाली चीज़ थी, जो भी नीच थी आपकी या जो अभी आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जिनको नहीं पता कि आप जो है वो किस तरह से रखते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेती हूँ बूट्स PK, ठीक है। आप जो भी आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं, शूज़ ले सकते हैं आप, और भी बड़े ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो रिज़ल्ट आया ना वो है bootspeaker.com, दिस इज़ द फ्री होस्ट डेट आर अवेलेबल फॉर अस, और सम दूसरी है बंडल एंड सेव 80%, मतलब उसके ऊपर ऑफर जो है वो चल रही है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास फ्री है वो हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है वो हम इस चीज़ का ले लेते हैं एक अदर स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेके इसको हम अपने पहले टास्क के अंदर पेस्ट करा देते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि
आपने जो है वो जो भी प्रेफर ये करी होगी ना वेबसाइट, जो आपको इस तरह से रिजल्ट शो करा रही है, पहले एक रिजल्ट हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, वो आपने कंसिडर करने हैं, ठीक है। और आगे आपने डोमेन का नेम जो है वो ज़रूर याद रखना है, अगर आपकी जो भी आपका नीच है उसके अकॉर्डिंग आपने डोमेन ले रहे हैं, यानी यहाँ पे हमारे पास डोमेन है .com, ठीक है, आपकी यहाँ पे .pw भी हो सकती है, .org भी हो सकती है, .uk भी हो सकती है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो चूज़ करनी है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम अगर गेमिंग पीसी का बताएं तो गेमिंग पीसी फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं जी गेमिंग लाइट पीसेस, तो हम देख लेते हैं हमारे पास इसकी फ्री डोमेन है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया जी गेमिंग लाइट पीसेस, तो ये .com ये हमारे पास फ्री है, और सामने जो आपको नज़र आ रही है इस पे 80% ऑफ है, ठीक है। और इनमें से भी हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे बताया, आपने पेड जो है वो यूज़ नहीं करनी क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जी gamingpc.co, ठीक है, जैसी आपकी डोमेन होगी उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो नेक्स्ट, जैसे ही हम सेकेंड टास्क परफॉर्म करेंगे ना, आपने उस तरह से उसको सेलेक्ट करना है, उस तरह से उसको चूज़ करना है। तो हम क्या करते हैं जी, सॉरी ये तो मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया, तो इस तरह से आ गया, सर्च करना था अगर हम गेमिंग, सॉरी जी नहीं मैंने लिखा था, तो गेमिंग पीसी जो है वो उसका रिजल्ट भी मैं आपको शो करा देती हूँ कि हमारे पास उसका रिजल्ट क्या आता है। ओहो ये फिर से वही हो गया, तो जी हमारे पास आ जाता है रिजल्ट जैसे ही हम सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू के बटन के ऊपर नहीं आपने क्लिक करना, गेमिंग पीसी पूरा लिख दिया तो आपके सामने ये जो डोमेन आ रही है ये है .pw, ठीक है। अगर लेकिन लेकिन अगर आप अवार्ड्स पे इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको .pw की डोमेन नहीं मिलती, .com की मिलती है, .uk की मिलती है, इस तरह .org, .net वगैरह की मिलती है, तो आपको .pw की नहीं मिलती। तो कोशिश कीजिएगा आप जो है वैसी डोमेन चूज़ करें जो ज़्यादा कॉमन हो, ठीक है, .com, .co, .ca इस तरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अगर मैं आपको नीचे दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है प्रीमियम, और कुछ पे नज़र आ रहा है जी प्रोमोटेड, एंड आपने प्रीमियम यूज़ नहीं करनी, आपने प्रोमोटेड यूज़ नहीं करनी, आपने सेव वाली जो है 80% या 70% ऑफ वाली यूज़ नहीं करनी। जो आपको यहाँ पे अवेलेबल नज़र आ रहा है योर डोमेन इज़ अवेलेबल, वो आपने चूज़ करनी है। लेकिन आपने जो कोशिश कीजिएगा कि आपके जो डोमेन नेम होगा वो .com .co मतलब कि ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाले हैं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकेंड टास्क, पहला हमारा जो है वो कम्प्लीट हो गया, सेकंड में है आपने साइन अप करना है अवार्ड स्पेस फ्री वेब होस्टिंग के ऊपर, यानी कि सिंपल आप ब्राउजर में लिखेंगे ना अगर अवार्ड स्पेस तो आपके सामने जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इस तरह पेस्ट करती हूँ तो हमारे सामने जो है वो इस तरह से आ जाएगा नज़र, तो यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रहा है फ्री साइन अप, फ्री साइन अप के ऊपर करेंगे, इसके परेशान है ना एरर 404 आ रहा है आपके सामने ऊपर नज़र आ रहा है ना फ्री साइन अप, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप उसको फेसबुक के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हैं, आप गूगल के थ्रू भी इसको लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है वो इसको गूगल के थ्रू लॉग इन कर लेते हैं, तो हमारे सामने जो है वो इस तरह से डैशबोर्ड आएगा, मतलब थोड़ी सी जो है वो उससे पहले आपको जो है विंडोज शोएंगे, लेकिन आपने उसको सिंपली क्लोज कर देना और डायरेक्ट डैशबोर्ड पे आके तो इस तरह से आपने ले लेना है एक अदर स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने इसको अपने सेकंड टास्क के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के नीचे पेस्ट करवा देना है, ठीक है। और जैसे मैं पेस्ट करा रही हूँ सेम टू सेम आपने जो है वो उस तरह से इसको पेस्ट करा देना है, तो आपका जो सेकंड टास्क का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जी हमने क्या करना है, हम चले जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेते हैं, तो और नेक्स्ट मूव करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और जिसको ये इशू आ रहा है ना तो क्विज जो है वो अगर कोई और यूट्यूबर देता है तो वो बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही आता है, इन सम केसेस जो है वो आपको हो सकता है सेम आए, या मैंने आपको हर वीडियो में बताया, लेकिन आपका क्विज जो है वो वेरी करता है, इसमें मुझे नहीं पता, या मैं उनके मतलब मैं उनके कोई दुश्मन तो नहीं हूँ, या आप उनके मामा ताया पुप्पो के बच्चे तो नहीं लगते ना जो उनको आप वो सेम टू सेम देते हैं, तो इस तरह की बात नहीं होती है। एक चीज़ पे जो है वो ना सिर्फ रहा करें, होस्टिंग टूल में जाना है आपने और डोमेन मैनेजर के ऊपर आपने सिंपली जो है वो क्लिक कर देना, तो आपके सामने इस तरह से रिजल्ट आएगा। नीचे आपको नज़र आ रहा है क्रिएट अ फ्री डोमेन, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना, और जो भी आपका नाम था ना जैसे हमने चूज़ किया था
बोर्ड्स ठीक है। यहाँ पे आपने जो भी चूज़ किया था, यानी कि अगर आपने चूज़ किया था गेमिंग पीसी, गेमिंग लाइट पीसी, इस तरह से वगैरह, या वूल लेदर जैकेट्स या शूज़ वगैरह, तो आपने वो लिख देना आगे जो है वो ATWebPages.com जो है वो इसको चूज़ करके रखना है। ठीक है, ये याद रखना, फ्री सब डोमेन आपने क्रिएट करनी है इस तरह से, और ये इसको आपने इसी तरह से सेलेक्ट रखना है। और जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, उससे पहले आपने जो है वो इस तरह से ले लेना एक आधा स्क्रीन शॉट, और इसको अपने सेकेंड टास्क के अंदर जो है वो पेस्ट करा देना। फिर बता रही हूँ, याद रखना आपने कि आपने होस्टिंग टूल के अंदर जाके, और होस्टिंग टूल में जाने के बाद आपने जो है वो डोमेन मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना। जब आप डोमेन मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देंगे ना, तो आपके सामने ऑप्शन आएगी फ्री सब डोमेन की। ठीक है, तो आपने जो है वो फ्री सब डोमेन में अपना सबसे पहले जी नाम लिखना है, और नाम लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने ATWebPages.com इसको सेलेक्ट करके रखना है। एंड उससे पहले आपने जो है वो क्रिएट का बटन प्रेस करने से पहले आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके आपने इसको सबमिट करा देना अपने सेकंड टास्क के अंदर सेकंड नंबर पे। ठीक है, यानी सेकंड क्वेश्चन के नीचे। और उसके बाद आपने जो है वो वापस उसी जगह पे चला जाना अवार्ड स्पेस के ऊपर, और क्रिएट के ऊपर आपने, क्रिएट के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना। तो इस तरह से आपके सामने जो है वो रिजल्ट आना चाहिए। सब डोमेन bootspk.webpages.com हैज बीन सक्सेसफुली एडेड। इस चीज़ का आपने स्क्रीनशॉट लेके इसी टास्क के अंदर सेकंड क्वेश्चन में आपने पेस्ट करा देना। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन, अगेन गो टू होस्टिंग टूल एंड क्लिक ऑन द जैकी ऐप इंस्टॉलर। अब आपने क्या करना है, जी दोबारा होस्टिंग टूल के अंदर चले जाना और जैकी ऐप इंस्टॉलर के ऊपर आपने क्लिक कर देना। ठीक है, अब चले जाते हैं जी, हम इसको ऊपर कर लेते हैं डैशबोर्ड के साथ, होस्टिंग टूल नीचे थर्ड नंबर पर जैकी ऐप इंस्टॉलर, इसके ऊपर आपने कर दिया क्लिक। आपके सामने आएगा कुछ इस तरह से इंटरफेस, यूजर ऐप इंस्टॉलर एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर वेबसाइट नाउ। इसका सबसे पहले आपने ले लेना है एक अदद स्क्रीनशॉट, और इसको पेस्ट करा देना अपने थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, टास्क टू के थर्ड क्वेश्चन में आप चीज़ें आपने यहाँ से अब गौर से देखनी है। ठीक है, ये सारा टास्क है वो समझने वाला शुरू से लेके एंड तक, तो कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी। और आप लोगों के लिए जो है मैं इतनी स्लो 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 बोल रही हूँ, और अगर आप लोग अब भी सब्सक्राइब ना करें, मतलब लाइक भी ना करें, तो फिर बड़ी बुरी बात है। तो इस तरह से जो है वो आपके सामने आएगा स्क्रीन, एंड देन आपने वर्डप्रेस जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। लेकिन क्लिक नेक्स्ट जो है वो प्रोसीड करने से पहले आपने इस चीज़ का ले लेना है एक अदर स्क्रीनशॉट। जब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना, तो इसको आपने अपने फोर्थ टास्क के अंदर पेस्ट करा देना सिंपली। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बाय क्लिकिंग ऑन ब्राउजर एंड इंस्टॉल एप्स टू गो टू वर्डप्रेस एंड फॉलो द स्टेप टू क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे आपने फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ये पेस्ट करा दिया, तो हमारे फोर क्वेश्चन। उसके बाद प्रोसीड टू स्टेप टू के ऊपर आपने क्लिक कर देना, और फिर आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं कि आपने आपका जो वेबसाइट है उसका टाइटल क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा था bootspk लॉन्च्ड बाय आयशे या बाय आयशे, ये जो भी आपने लिखना है, या जो भी आपका नाम है, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट का वो आप रख सकते हैं। यूजर नेम आपका एडमिन ही रहेगा। पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग रखना है बाय यूजिंग द अपर लेटर्स, लोअर लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये चूज़ कर लिया। ईमेल जो है वो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट सेट होगी, और उससे पहले आपने जो है वो इंस्टॉल एप्लीकेशन पे क्लिक करने से पहले आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसको फोर टास्क के अंदर आपने करवा देना है पेस्ट। तो आपका जो चारों टास्क है, मतलब क्वेश्चन है ना सेकंड टास्क के, वो हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, इसको जो है वो मैं कट करके ऊपर करा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ पेस्ट द स्क्रीनशॉट ऑफ ईच स्टेप इन द वर्ड फाइल। तो इसको जो है ऊपर जो है वो यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट करवा देती हूँ। ठीक है, ताकि जो है वो हमारे क्वेश्चन सीक्वेंस बाय सीक्वेंस स्क्रीनशॉट्स जो है वो प्लेस हो जाए, और हमें इसके अकॉर्डिंग जो है वो मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो वापस यहाँ पे आ गए, और इंस्टॉल एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना। जब आप इंस्टॉल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपका जो वर्डप्रेस का वर्जन 6.4.2 है वो आपके पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा टाइम ही लगेगा, आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर कंसिस्ट करेगी इसकी डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन। तो ये जल्दी से हो जाता है, थोड़ा सा बस सबर करने की ज़रूरत है। और जितनी देर आपको सबर करने का कह रहा है, तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि जिसको एक्सरसाइज की समझ नहीं आ रही वो भी जल्दी से बना ले एक्सरसाइज,
और अगर आपकी 14 कोर्सेज में से कोई भी एक्सरसाइजेज रहती हैं, वन फर्स्ट वाली रहती है, सेकंड वाली रहती है, कोई क्विज रहता है, तो आप एट द एंड ऑफ द कोर्स जो है सबमिट करा सकते हैं। तमाम की हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज और क्विजेज आपको यहीं पे प्रोवाइड किए गए हैं सुशक्ति साउथ। और ये जी हमारा थोड़ा सा बस रह गया, बस थोड़ा सा और सब्र कर लें। चलें जी, इंस्टॉलेशन जो है वो हमारी हो चुकी है कंप्लीट, और कंप्लीट करने के बाद जो है वो हमारे पास एक मैसेज आएगा कि आपने वर्डप्रेस जो है वो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया, यानी कि ग्रीन बार में। अगर आपकी कोई कहीं भी रेड बार आए ना, इसका मतलब ये है कि आपने कहीं पे कोई मिस्टेक की है। जैसे आपको ऊपर नजर आ रहा है ग्रीन में, और पासवर्ड आपने याद से सेव कर लेना, ठीक है, और याद भी रखना आपने, और इस तरह से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आपका दिल करे तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना तो आप ना लें, ठीक है। दिस इज द एडिशनल स्क्रीनशॉट। अगर आप ले लेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और अगर आप नहीं लेंगे तो इसमें भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर नीचे आप थोड़ा सा ड्रैग करें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है डोमेन एप्लीकेशन क्विक एक्सेस एंड मैनेज। अगर आप यहाँ पे प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करें ना, जो आपको डोमेन के नीचे बुक्स पी के साथ प्लस का बटन नजर आता है, यहाँ पे सब सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपकी एक्सटेंशन क्या है, सारी चीज़ें, ठीक है। अब हमने विजिट वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा। अब आपने इस चीज़ का ले लेना है कि द स्क्रीनशॉट बूट्स पी के लॉन्च्ड बाय आयशे, और ये सैम्पल पेज है हमारा, ठीक है। इस तरह से आपको जो है वो इंटरफेस इसका नज़र आएगा, और इसका आपने स्क्रीनशॉट लेके वही नेक्स्ट जो है वो पेस्ट करवा देना इस तरह से, ठीक है। दिस इज द सैम्पल पेज, ये जो था हमारा इस तरह से नज़र आनी चाहिए थे, तो वो हमारा जो था नज़र आ रहा है, और यहाँ पे हमने पेस्ट करा दिया। उसके बाद जी यहाँ पे आएगा हमारा एक और बड़ा ज़रूरी काम आपने करना। अब वो आपने क्या करना है कि आपने जो वर्ड प्रेस है उसको ओपन करना। अब वो आपका किस तरह से ओपन होएगा, यहाँ पे आपको ऊपर नज़र आ रहा है बूट पी के डॉट एट वेब पेजेस डॉट कॉम। यहाँ पे आपने सबसे पहले लगानी है एक स्लैश, मतलब टेढ़ी वाली स्लैश, ठीक है। एक सीधी भी होती है, एक टेढ़ी भी होती है। स्लैश लगाने के बाद आपने क्या करना, उसके आगे आपने लिखना है डब्ल्यू पी डैश, छोटी वाली डैश, अंडर स्कोर नहीं कह रही, उसके आगे आपने लिख देना है एडमिन। जब आप ऐसे लिखें कि एंटर करेंगे ना, तो आपके सामने जो है वो आपसे पूछेगा आपके वर्डप्रेस का यूज़र नेम क्या है, वो हमने क्या रखा था, एडमिन रखा था। और उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका पासवर्ड क्या है, तो जो आपने अभी पासवर्ड रखा था ना विद द कम्बिनेशन ऑफ अपर लोअर एंड नंबर्स और सिम्बल्स के साथ, वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना, और रिमेंबर मी के ऊपर लॉग इन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, एंड सेव पासवर्ड के ऊपर आपने क्लिक करके इस तरह से आपके सामने वर्डप्रेस का इंटरफेस आ जाएगा, वेलकम टू वर्डप्रेस, ठीक है। तो ये सारे काम जो है वो आपके हो चुके हैं। अब आपका जो है वो यहाँ पे हम अपना थर्ड टास्क जो है वो परफॉर्म करेंगे। अब हमने थर्ड टास्क जो है वो क्या परफॉर्म करना था, हमने लिखना था एक आर्टिकल, यानी कि एक पोस्ट क्रिएट करनी थी, जिसके लिए हमें आर्टिकल की ज़रूरत है। यहाँ पे पोस्ट का बटन आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे जो है वो आप ऑल पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, या एड न्यू पोस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने जो है वो ऑप्शन आएगी, ऊपर आपको टॉप पे भी नज़र आ रहा है एड न्यू पोस्ट, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने जो है वो पूरा विंडो जो है किस तरह पोस्ट ऐड करते हैं, या इमेजेस देते हैं, या टाइटल उसका क्या होएगा, या डिस्क्रिप्शन, या टैग्स, हैशटैग्स, ये सारी चीज़ें जो है आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन उससे पहले जो है मैं इसको बुकमार्क कर लूँ, क्योंकि ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये जो मैं अभी कर रही हूँ ना, ये आपने नहीं करना, ये मैंने अपने लिए किया, ठीक है। तो ये जी हो गया, और यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रहा है ना ऐड न्यू पोस्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो विंडो आ जाएगी कि आप जो है वो पोस्ट अपनी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको टाइटल की ज़रूरत होगी, डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी, इमेजेस आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, उसके बाद आपने कोई डिस्क्रिप्शन देनी है इमेजेस की, तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ तक उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो हम जो है वो ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर कर लेते हैं क्लिक, और कर लेते हैं ऐड। आपने क्या करना था, आपने आप ढूंढनी थी कोई भी आपका टाइटल, जो भी आपने नीड चूज़ की है। फॉर एग्जांपल अगर आपने शूज़ की नीड चूज़ की है, तो आपका टॉपिक होएगा, डिफरेंट टॉपिक हो सकते हैं। आप एक काम कीजिएगा, आप चैट जीपीटी पर जाइएगा, या हाँ जी चैट जीपीटी पर जाइएगा, क्योंकि वो आपको बेस्ट
रिजल्ट देगा या फिर आप बॉट पे चले जाइएगा, क्योंकि वो भी मच रेलिवेंट टू चैट जीपीटी है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लिखिएगा गिव मी सम टाइटल अबाउट शूज़, या जो भी आपकी नीच होएगी, जो भी आपने चूज़ किया होएगा, ठीक है, लेदर शूज़ या सैंडल्स वगैरह या मेकअप वगैरह, तो वो आपको जो है डिफरेंट रिजल्ट दिखा देगा। उन टाइटल्स में से आपने क्या करना है, फिर आपने दोबारा से एक कमांड लिखनी है कि राइट एन आर्टिकल अबाउट 100 to 200 वर्ड्स ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, तो आपके सामने जो है वो रिजल्ट आपका आ जाएगा, तो आप उसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। बड़ा आसान आसान सा काम है, तो उम्मीद है कि आप जो है वो ये काम कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको बता दी हैं। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे हमने ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर कर लिया क्लिक, और यहाँ पे जो है वो जब हमने ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास आ गई कुछ इस तरह से विंडो आ जाती है। अभी थोड़ा सा, क्योंकि इतने ज़्यादा टैब्स और एप्लीकेशन खुली हैं, इसलिए थोड़ी सी इसकी स्पीड है वो स्लो। आप में परेशानी हो ना, आपकी भी हो सकती है। फिर से वही आ गया, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपने सिंपली अपना टाइटल दे देना, जैसे मैंने आपको बताया, बाय यूजिंग द चैट जीपीटी और बॉर्ड या आर्टिकल किसी भी से आप जो है वो ले सकते हैं। सिंपली आपने जो है एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया उस तरह से आपने भी लिख देना, और एवोल्यूशन ऑफ बूट्स पी के, और नीचे जो था मैंने ये लिख दिया। साइड पे आपको टैग्स नज़र आ रहे हैं, टैग्स देने हैं तो टैग्स दे सकते हैं। उसके बाद हम जो है वो यहाँ पे पिक्चर ऐड कर लेते हैं। सिंपली जो है वो आप ऐड पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने जो है वो इस तरह से आ जाएगी। मैंने यहाँ से कुछ जो है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, और वहाँ पर जो है वो हम पेस्ट करा लेते हैं, और यहाँ से हम जो है वो कुछ और देख लेते हैं। अगर आपने इमेजेस का भी कोई जो है वो टाइटल देना ना, तो आप उसका भी जो है वो टाइटल दे सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से देना है, क्या कहना है। और यहाँ से जो है वो हम कुछ और चूज़ कर लेते हैं, और यहाँ से ये देख लेते हैं, कलर तो सही लग रहा है, पता नहीं किस तरह गया। हाय हाय, किसी को अच्छे लग सकते हैं, हमें लग रहे, इसलिए हमने ये नहीं दिए। तो एक ये कर लेते हैं, और एक जो है वो हम लाइट कलर का कर लेते हैं। ठीक है, कैरमल वाला नहीं जी, क्रीम, और इस तरह से जो है वो हमने तीनों इसको सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद जी यहाँ पे आपको साइड पे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपने कोई टेक्स्ट ऐड करना है, कोई टाइटल, कोई कैप्शन, कोई डिस्क्रिप्शन देनी है कि मतलब इसकी क्या क्वालिटीज़ है, इसका जो है वो क्या क्या फीचर्स हैं, किस किस्म का जो है वो लेदर यूज़ हुआ है या किस किस्म की फैब्रिक यूज़ हुई हुई है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ से मैं अपने मुताबिक जो है वो कुछ भी लिख देती हूँ, और उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया जी ब्राउन बूट्स कलेक्शन, नेक्स्ट में हम लिख देते हैं कैरमल कलेक्शन, थर्ड में हम बदलने किया गया लिख देंगे क्रीमी कलर। यहाँ पे बूट वन की इमेज आपको नज़र आ रही है, अगर आपने इसको एडिट करना है तो वो आप एडिट भी कर सकते हैं। ऊपर आपको डिलीट परमानेंटली के ऊपर आपको ब्लू में नज़र आ रहा है ना एडिट इमेज, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज जो है वो एडिट कर लेंगे। इसको आपने कहीं भी किस्म पे घुमाना है, ये कोई टेक्स्ट ऐड करना है, ये कोई कलर चेंज करना है, ये कोई इफेक्ट देना है, कोई फिल्टर अप्लाई करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप अपनी एक्चुअल बना रहे होंगे ना तो तब आप कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप अगर प्रैक्टिस के लिए करना चाहें तो ज़रूर करें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, करना चाहिए आपको। तो सेट फीचर इमेज के लिए ऊपर हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, इस तरह से, तो ये आपका जो है वो इस तरह से आपने ले लेना है एक अदर स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट
लेने के बाद आपने जो है पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे आपने कोई और कैटेगरी रखनी है और या अनकैटेगराइज रखना चाहते हैं इसको, तो आप जो है वो अनकैटेगराइज भी रख सकते हैं। या अब यहाँ पे मैंने जो है वो ऐड कर दिया कैटेगरी, और इसको जो है वो आपने अपडेट करना है तो उसको अपडेट भी कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ आ चुकी होंगी। और यहाँ पे हम टैग्स ऐड कर लें, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। एक टैग लिखेंगे, एंटर के ऊपर प्रेस कर देंगे। है ज़रूरी नहीं है कि आप हैश टैग ज़रूर लगाएं, ठीक है। आप वैसे भी जो है वो लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने आपको लिख दिया, उसके बाद जो था वो मेरा जो नाम था वो मैंने लिख दिया, उसके बाद जी है हमने लिख दिया, कुछ भी नहीं लिख दिया, ये कुछ लिखना है, या हमने लिखे विंटर कलेक्शन लिख दिया, एंड देन एंटर के ऊपर प्रेस कर दिया है, ठीक है। या फिर नीचे आपको नजर आ रहा है चूज फ्रॉम द मोस्ट यूज टैग्स, तो आप उसको भी जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो था वो हमारी पोस्ट जो है वो प्रिपेयर हो चुकी है, थर्ड टास्क है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना इसी तरह से, और मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ कि ये हमारा किस तरह से नज़र आएगी। इस तरह से हमारे पास ये जो है वो नज़र आएगी, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ बूट स्पीकर रीडिफाइनिंग बाय फुटवेयर कम्फर्ट एंड स्टाइल, उसके बाद ये आर्टिकल हमने लिख दिया, और नीचे कमेंट और प्रीवियस हेलो वर्ल्ड वगैरह 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 वगैरह। यहाँ पे अगर कोई कमेंट लिखना चाहे तो कमेंट लिख सकता है सिंपली। और ये हमारी पोस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। उम्मीद है वीडियो आपको जो है वो समझ आ चुकी होगी। और इसका मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, वो भी मैं आपको बता दूँ कि उसका स्क्रीनशॉट जो था वो आपने किस तरह से लेना था। मैं बोल गई हूँ, आपने नहीं बोलना, ठीक है। मैं जी यहाँ पे इसका भी एक स्क्रीनशॉट जो है वो हम लेके ना सबमिट करा देते हैं, ठीक है, अपने लास्ट टास्क के अंदर। इसका भी स्क्रीनशॉट जो है वो लेना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आपके सामने जो एडिट वाली विंडो थी ना पोस्ट की, वो आपने सबमिट करानी है उसकी इमेज, तो वो जो है वो मैं करा देती हूँ। लेकिन क्योंकि अभी हम इस करंट पेज के ऊपर हैं, तो हम जो है वो पहले इसका करवा लेते हैं। ये आपने जो है पब्लिश की है ना पोस्ट, वो आपने एंड वाले टास्क के अंदर करानी है, ठीक है। यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे ही आप कंट्रोल वी करेंगे तो आपकी ये पेस्ट हो जाएगी। लेकिन इसके ऊपर जो है वो आपने एक एडिट वाली जो विंडो हमारे पास आ रही थी ना, पोस्ट एडिट वाली विंडो, वो आपने जैसे मैंने आपको कहा था कि इस चीज़ का आपने स्क्रीनशॉट लेना, वो आपने ज़रूर ले लेना। देन आपने ये वाली इमेज जो थी जिसका हम व्यू देख रहे हैं, वो आपने सबमिट करानी है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे अगर आप क्विक एडिट के ऊपर या एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो आपके सामने जो है वो वही विंडो दोबारा से आ जाएगी। वहीं पर आपने जो है वो कोई चेंजिंग करनी है, कोई भी किसी भी समझिए, या कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई डिलीट करनी है, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद इसको करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने जो है वो यहाँ पे इसको पेस्ट करवा देना, और यहाँ पे हमारे जो तीनों के तीनों टास्क है ना वो हो जाएंगे कंप्लीट, ठीक है। फिर बता रही हूँ, वो आप गौर से एक दफ़ा फिर देख लीजिएगा। पहला टास्क था हमारा, आपने बाय यूजिंग द नेम चीप डोमेन जनरेटर या गोडैडी डोमेन जनरेटर को जो है वह आपने यूज़ करके अपनी डोमेन का जो नाम है वो जनरेट कर लेना। और जनरेट करने के बाद जी आपने क्या करना, ये हमारा जो था वो नीचे आ गया था, और इसको हम जो है वो नेक्स्ट कर लेते हैं इस तरह से। ये थोड़ी सी अरेंजमेंट सही नहीं थी, तो इसको मैं जो है वो अरेंज कर लूँ। इसको जो था वो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि अब आपने क्या करना, ठीक है। इस तरह से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और जो हमने पहले टास्क के अंदर पेस्ट करवा दिया। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है सेकेंड में, आपने वर्ड्स पेज के ऊपर जाना, उसके डैशबोर्ड का आपने जो है वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट कराना, जैसे मैंने अभी कराया हुआ है, ठीक है। सिंपली अवार्ड्स पेज आपने लिख देना, और उसके बाद आपने होस्टिंग टूल में जाके आपने डोमेन मैनेजर के ऊपर क्लिक करना, देन सब डोमेन आपने जो है वो यहाँ पे ऐड कर देनी है। एट वेब पेजेस डॉट कॉम आपने सेलेक्ट रखना है, और वहाँ पे आपके दो जो स्क्रीनशॉट आएंगे, देन आपने जैकी ऐप इंस्टॉल करके वर्डप्रेस का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। और वर्डप्रेस का एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपने जब इंस्टॉल हो जाएगा, इस तरह से आपने लेनी है इमेज, और देन आपने उसको रन करना है। रन भी आपको बता दिया, एंड लास्ट इसके आपने जो था वो पोस्ट जनरेट करनी थी, और उसके लिए जो है आपने आर्टिकल लिखना था, तो वो आपकी जो था वो इस तरह से पेस्ट होगी। इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, और लास्ट पे जो है वो भी आप सिंपली पेस्ट कर देंगे ना, तो वो भी
आपकी कंसिडर होगी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने हमें ये नहीं कहा होगा कि आप पोस्ट पे वो ज़रूर उस पर जनरेट करनी है, लेकिन इसका मकसद ये था स्क्रीनशॉट लेने का कि आपकी ये जो आर्टिकल है वो तब विजिबल हो गया जब आप एक पोस्ट क्रिएट करेंगे। तो आपने एक पोस्ट क्रिएट कर ली, देन आपका जो था वो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जहाँ पे हमने ये लिख दिया। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। मुझे दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला मुझे हदायत और कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।